भाइयों को मैं वेलकम करता हूँ। आज बहुत अर्जेंटली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ा क्योंकि कल हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री बसराज बोम्मई जी आ रहे हैं। वो बसव कल्याण कर्नाटक यात्रा पर्व बोल के एक प्राइवेट कार्यक्रम को आ रहे, वो कार्यक्रम के जरिए से जो कल्याण में बसव कल्याण में हैं जो अनुभव मंडप बीकेडी में अंडर में जो आते हैं वो आलम प्रभु स्मारक हो या परशु कट्टे है, ऐसा चार पांच प्लेस को चूज करके इन्हें डेवलप करना चाह रहे हैं। इसके लिए 220 करोड़ रुपए खर्च करने का। तो प्राइवेटली लोगों से चंदा करके मेरा ये डाउट है ये बीकेडीपी के अंदर आता है, ये अनुभव मंडप बनना चाहिए। एक साल दो महीना हुआ शायद इनॉग्रेशन होके इलेक्शन के पहले, लेकिन आज तक के लिए उसका शुरुआत नहीं हुई। वो शुरुआत करने के बजाय पैरेलल होके गवर्नमेंट के पैरेलल होके ये विकास अकादमी बोल के जो बना के उसके थ्रू काम कर रहा है करने जा रहा है। मेरे को ये डाउट हो रहा है कि ये पैरेलल गवर्नमेंट क्यों चल रहा है और ये जो अनुभव मंडप है वो बसवेश्वर जी का जो फिलॉसफी है उसके ऊपर चलता है, जो लिंगायत धर्म के ऊपर चलता है, ये सनातन वैदिक धर्म से तंग आके उन्हें बाहर आके ये करे थे। लेकिन ये लोग फिर वही सनातन धर्म थोपने का काम करने का कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हम चिंतित है क्योंकि ये बसवेश्वर का जो अनुभव मंडप है ये वर्ल्ड लेवल इसको फैलाना है, उनका जो सोच है उसके जो समानता है उसके बारे में चले वो लोगों को बताना है, वर्ल्ड को बताना है। लेकिन ये लोग आरएसएस एजेंडा लेके पुराने सनातन धर्म और वैदिक धर्म को ये करने का कोशिश करें। यहाँ पे बस सिंह के साथ माजी सीएम येडियुरप्पा जी आ रहे हैं और ये कोप्पड़ के एक स्वामी गवी सिद्धेश्वर महास्वामी के नेतृत्व में हो रहा। मेरा एक अनुमान हो रहा है कि यहाँ पे सालों से अनुभव मंडप और कल्याण डेवलपमेंट के लिए यहाँ के मठाधीश लोग बहुत काम कर रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग बहुत काम कर रहे हैं, उन सबको नेग्लेक्ट करके उनका कहीं भी एक जगह भी नाम नहीं है या उनको ये सबको इन्विटेशन भेजे हैं, जैसा हम शादी में देते रुका ऐसा दिए, जो आना है आओ नहीं तो नहीं, ऐसा करके यहाँ पे जो स्वामी जी है हमारे मठाधीश बहुत बड़े बड़े मठाधीश है, भालकी के मठ है, हम बातामरा मठ है या हुलसुर मठ है या इधर शिवकुमार स्वामी मठ है, ऐसा बहुत बड़े बड़े मठ है, वो स्वामी लोग आदर्श है हमारे लोगों के लिए, लेकिन उन लोगों का नाम नहीं डाल के उनको भी क्या अपमान किए बोल के मेरे को महसूस हुआ, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। उसी के साथ साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ के केंद्र सचिव है उनका नाम नहीं है, इंचार्ज मिनिस्टर है उनका नाम नहीं है, यहाँ के मिनिस्टर है प्रभु चौहान उनका नाम नहीं है, या किसी एमएलसी का नाम नहीं है, या वहाँ का एटलीस्ट बसव कल्याण के म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष उनका नाम भी नाम नहीं है, फिर भी ये लोग डेवलपमेंट करने के लिए आ रहे हैं और उसका उद्घाटन करने के राज्य के एक मुख्यमंत्री आ रहे हैं, ये बहुत गलत बात है और ये गलतियाँ बोम्मई जी ने सुधार लेना चाहिए।
नहीं, ये जो आरएसएस का एजेंडा है ये चलने नहीं देना, क्योंकि ऐसा हुआ हमारे राज्य में बसवराज बोम्मई जी अपने सोच के हिसाब से काम नहीं करे, ये सब आरएसएस से जो मार्गदर्शन करता है उसके ऊपर ये चल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जो लोग के हित में रहता वो काम करना चाहिए, क्या मेरा अपील है। वहां के एमएलए का भी काम है ना सर, ये सब एमएलए देखने वहाँ के एमएलए बीजेपी का, उनका भी नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने कल एक वीडियो में, हाँ, एक अंबेडकर मूर्ति भी इनाग्रेशन हो रहा है, होने जा रहा है, इसके लिए केंद्र सचिव खोबा जी, हाँ, मनेकप्पा जी और प्रभु चव्हाण जी, और या बीजेपी के नाम बोले, लेकिन किसी और का नाम किसी का मैंने नहीं लिया। तो भाइयों को मैं वेलकम करता हूँ। आज बहुत अर्जेंटली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ा, क्योंकि कल हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री बसराज बोम्मई जी आ रहे हैं। वो बसव कल्याण कर्नाटक यात्रा पर्व बोल के एक प्राइवेट कार्यक्रम को आ रहे हैं। वो कार्यक्रम के जरिए से जो कल्याण में, बसव कल्याण में है, जो अनुभव मंडल बीकेडी में अंडर में जो आते हैं, वो आलम प्रभु स्मारक हो या परशु कट्टे है, ऐसा चार पांच प्लेस को चूज करके इन्हें डेवलप करना चाह रहे हैं। इसके लिए 220 करोड़ रुपए खर्च करने का है, करने का, तो प्राइवेटली लोगों से चंदा करके। मेरा ये डाउट है, ये बीकेडीपी के अंदर आता है, ये अनुभव मंडप बनना चाहिए, एक साल 2 महीना हुआ शायद इनाग्रेशन होके इलेक्शन के पहले, लेकिन आज तक के लिए उसका शुरुआत नहीं हुई। वो शुरुआत करने के बजाय पैरेलल होके, गवर्नमेंट के पैरेलल होके, ये विकास अकाडमी बोल के जो बना के उसके थ्रू काम कर रहा है, करने जा रहा है। मेरे को ये डाउट हो रहा है कि ये पैरेलल गवर्नमेंट क्यों चल रहा है, और ये जो अनुभव मंडप है वो बसवेश्वर जी का जो फिलॉसफी है उसके ऊपर चलता है, जो लिंगायत धर्म के ऊपर चलता है, ये सनातन वैदिक धर्म से तंग आके उन्हें बाहर आके ये करते थे, लेकिन ये लोग फिर वही सनातन धर्म थोपने का काम करने का कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हम चिंतित है, क्योंकि ये बसवेश्वर का जो अनुभव मंडप है ये वर्ल्ड लेवल इसको फैलाना है, उनका जो सोच है उसके जो तो समानता है उसके बारे में चले वो लोगों को बताना है, वर्ल्ड को बताना है, लेकिन ये लोग आरएसएस से एजेंडा लेके पुराने सनातन धर्म और वैदिक धर्म को ये करने का कोशिश करें। यहाँ पे बस इनके साथ माजी सीएम येडियुरप्पा जी आ रहे हैं, और ये कोप्पल के एक स्वामी गवी सिद्धेश्वर महास्वामी के नेतृत्व में हो रहा है। मेरा एक अनुमान हो रहा है कि यहाँ पे सालों से अनुभव मंडप और कल्याण डेवलपमेंट के लिए यहाँ के मठाधीश लोग बहुत काम कर रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग बहुत काम कर रहे हैं, उन सबको नेग्लेक्ट करके उनका कहीं भी एक जगह भी नाम नहीं है, या उनको इनवाइट, ये सबको इनविटेशन भेजे हैं, जैसा हम शादी में देते रुक्का वैसा दिए, जो आना है आओ नहीं तो नहीं, ऐसा ऐसा करके यहाँ पे जो स्वामी जी हैं हमारे मठाधीश, बहुत बड़े बड़े मठाधीश है, भालकी की मठ है, हम बातामरा मठ है, या हुलसुर मठ है, या इधर शिव कुमार स्वामी मठ है, ऐसा बहुत बड़े बड़े मठ है, वो स्वामी लोग आदर्श है हमारे लोगों के लिए, लेकिन उन लोगों का नाम नहीं डाल के उनको भी
क्या अपमान किया है बोल के मेरे को महसूस हुआ, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। उसी के साथ साथ हैं के जनप्रतिनिधि लोग, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं के केंद्र सचिव है उनका नाम नहीं है, इंचार्ज मिनिस्टर है उनका नाम नहीं है, यहाँ के मिनिस्टर है प्रभु चौहान उनका नाम नहीं है, या किसी एमएलसी का नाम नहीं है, या वहाँ का एटलीस्ट बसों कल्याण के म्यूनसिपाल्टी के अध्यक्ष उनका नाम भी नाम नहीं है, फिर भी ये लोग डेवलपमेंट करने के लिए आ रहे हैं और उसका उद्घाटन करने के राज्य के एक मुख्यमंत्री आ रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। और ये गलतियाँ बोम्मई जी ने सुधार लेना चाहिए, नहीं ये जो आरएसएस का एजेंडा है ये चलने नहीं देना, क्योंकि ऐसा हुआ हमारे राज्य में बसाज बोम्मई जी अपने सोच के हिसाब से काम नहीं कर रहे, ये सब आरएसएस से जो मार्गदर्शन करता है उसके ऊपर ये चल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जो लोग के हित में रहता वो काम करना चाहिए, बोल के मेरा अपील है। वहाँ के एमएलए का भी काम है ना सर, एमएलए बीजेपी का उनका भी नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने कल एक वीडियो में यहाँ एक अंबेडकर मूर्ति भी इनाग्रेशन हो रहा है, होने जा रहा है, इसके लिए केंद्र सचिव खोबा जी, मोनेकोप्पा जी और प्रभु चौहान जी और बीजेपी के नाम बोले, लेकिन किसी और का नाम किसी का मैंने नहीं लिया। भाइयों को मैं वेलकम करता हूँ, आज बहुत अर्जेंटली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ा, क्योंकि कल हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री बसराज बोम्मई जी आ रहे हैं, वो बसो कल्याण कर्नाटक यात्रा पर्व बोल के एक प्राइवेट कार्यक्रम को आ रहे, वो कार्यक्रम के जरिए से जो कल्याण में बसों कल्याण में है जो अनुभव मंडप बीकेडी में अंडर में जो आते हैं वो आलम प्रभु स्मारक हो या परशु कट्टे है, ऐसा चार पांच प्लेस को चूज करके इन्हें डेवलप करना चाह रहे हैं, इसके लिए 220 करोड़ रुपए खर्च करने का है करेगा, तो प्राइवेटली लोगों से चंदा करके। मेरा ये डाउट है ये बीकेडीपी के अंदर आता है, ये अनुभव मंडप बनना चाहिए, एक साल दो महीना हुआ शायद इनाग्रेशन के इलेक्शन के पहले, लेकिन आज तक के लिए उसका शुरुआत नहीं हुई। वो शुरुआत करने के बजाय पैरेलल होके गवर्नमेंट के पैरल होके ये विकास अकाडमी बोल के जो बना के उसके थ्रो काम कर रहा है करने जा रहा है, मेरे को ये डाउट हो रहा है कि ये पैरल गवर्नमेंट क्यों चल रहा है। और ये जो अनुभव मंडप है वो बसवेश्वर जी का जो फिलॉसफी है उसके ऊपर चलता है, जो लिंगायत धर्म के ऊपर चलता है, ये सनातन वैदिक धर्म से तंग आके उन्हें बाहर आके ये करे थे, लेकिन ये लोग फिर वही सनातन धर्म थोपने का काम करने का कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हम चिंतित है, क्योंकि ये बसवेश्वर का जो अनुभव मंडप है ये वर्ल्ड लेवल इसको फैलाना है, उनका जो सोच है उसके जो समानता है उसके बारे में चले वो लोगों को बताना है, वर्ल्ड को बताना है, लेकिन ये लोग आरएसएस एजेंडा लेके पुराने सनातन धर्म और वैदिक धर्म को ये करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे